Hello friends, welcome to my channel. This is Vandana here. So I'm here again with a new video, and today I'm gonna talk about some wedding accessories every girl must have in her wardrobe. So these are some very basic things which you should own. So without any further ado, let's get started with this video. The first thing that I want to talk about in this video is mang tika. The first basic accessory you need is mang tika. So mang tika is a lot in trend right now. So you should own a mang tika, whether a big one or a small one. It depends on your face or on your face type or on your choice totally. But I have this one. Okay, so मेरे को वो बड़े mang tika के साथ ये chain भी मिली थी. This was with that big mang tika. तो मैंने ये रिमूव करके एक नॉर्मल चेन यूज़ किया था उसके साथ अटैच करके, एंड आई डिडंट वांटेड दिस वन, सो आई रिमूव दिस वन. बट ऑल्सो दिस कैन बी यूज विद दैट वन इफ़ यू वॉन्ट टू शो द चेन. और मेरे पास एक छोटा सा mang tika भी है, इट्स अ वेरी स्मॉल वन. और ये दोनों मेरे पास कुंदन वाले mang tika हैं, सो दिस इज़ द सेकेंड वन. Second thing that I want to talk about are statement earrings or statement neck piece. तो ये actually ये जो point है statement neck piece और earring, तो आप पे depend करता है if you are wearing some statement neck piece or earring. क्योंकि I love to wear earrings, तो मेरे पास काफ़ी बड़े size के earrings हैं, some statement earrings I have. तो मेरे को वो पहनना ज़्यादा अच्छा लगता है. आई एम नॉट अ नेक पीस पर्सन एट ऑल. तो मेरे को नेक पीस बड़े बड़े बिल्कुल भी, मतलब आई एम नॉट कम्फर्टेबल विद दैट. तो आई लव वेयरिंग ईयरिंग्स और वेरी मिनिमल आई गो फॉर दीज नेक पीसेज, और आई जस्ट वेयर अ सिंपल चेन, दैट्स इट. सो इट डिपेंड्स ऑन यू. तो दिस स्टेटमेंट ईयरिंग इज़ दिस वन. और इफ़ यू आर नॉट अ ईयरिंग पर्सन, तो आप एक बड़ा सा स्टेटमेंट नेक पीस भी कैरी कर सकते हैं. तो मेरे पास ये एक स्टेटमेंट नेक पीस है. ओके, तो आई थिंक दिस कैन गो विद सम इंडियन वेयर ऑल्सो, क्योंकि गोल्डन कलर में है. कलर्ड नेक पीसेस गो रियली वेल विद साड़ीज एंड सम सूट्स एंड सम लहंगाज और एनी थिंग यू वॉन्ट टू वेयर. सो दिस इज़ काइंड ऑफ अ नेक पीस विच इज़ स्टेटमेंट, विच क्रिएट्स अ स्टेटमेंट. तो आप कुछ भी पहन सकते हैं, डिपेंड्स ऑन यू. सो दिस वॉज द सेकेंड पॉइंट आई वॉन्टेड टू टॉक अबाउट. So the next thing that I want to talk about are bangles. So you should own some bangles. Some golden bangles I have. तो ये सारे इंडियन वेयर्स के साथ बहुत अच्छी जाती हैं, लाइक नॉर्मली साड़ीज़ के साथ विच हैव सम गोल्डन प्रिंट्स और बॉर्डर्स और वर्क इन देम, और ऑल्सो विथ सम सूट्स. तो काफ़ी अच्छे लगते हैं ये बैंगल्स वेडिंग एक्सेसरीज़ के अकॉर्डिंग. तो काफ़ी अच्छे हैं वेडिंग्स में, ऐसे बैंगल्स बहुत ही प्रिटी लगते हैं. लाइक यू कैन पेयर देम अप विद एनी कलर ऑफ बैंगल्स विच यू हैव अकॉर्डिंग टू द आउटफिट यू आर वेयरिंग. नेक्स्ट सेट ऑफ बैंगल्स दैट आई वांट टू शो यू इज़ दिस वन. आई हैव दिस सिल्वर कलर्ड सेट. और आजकल जैसे सिल्वर कलर की बैंगल्स बहुत ट्रेंड में हैं, सम कैजुअल वेयर कुर्तीज़, सम ऑफिस वेयर फंक्शंस के लिए आप ये बहुत ईजिली कैरी कर सकते हैं. दे लुक रियली ब्यूटिफुल. सिल्वर ज्वेलरी के साथ बहुत अच्छी जाती है, बिकॉज आजकल सिल्वर झुमके सिल्वर रिंग्स काफ़ी चल रही हैं. तो यू कैन पेयर देम अप विद दिस वन. तो ये बहुत अच्छी लगती हैं ये बैंगल्स, दे लुक रियली एलिगेंट एंड सिंपल. इसके अलावा बहुत टाइप की पार्टी वेयर बैंगल्स होते हैं, लाइक कांच की चूड़ियाँ होती हैं, देन स्टोन्स के बैंगल्स होते हैं, देन मेटल के होते हैं. तो यू कैन कैरी एनी थिंग. बहुत टाइप के आजकल बैंगल्स आते हैं, तो कुंदन वर्क में आता है, देन एनी थिंग यू कैन पिक अकॉर्डिंग टू योर आउटफिट और अकॉर्डिंग टू योर चॉइस. द नेक्स्ट थिंग इज़ बिंदी. सो अकॉर्डिंग टू मी बिंदी के बिना तो इंडियन वेयर एकदम इनकम्प्लीट है. कम्प्लीट द लुक एंड गिव इट अ मोर पुट टुगेदर लुक यू शुड वेयर अ बिंदी. तो एक बिंदी आपको ज़रूर यूज़ करनी चाहिए, सिल्वर हो गोल्डन हो, इट रियली ब्रिंग्स सो मच एलिगेंस टू द लुक. देन यू हैव मेनी ऑप्शंस, लाइक यू कैन चूज फ्रॉम द गोल्डन स्टोन बिंदीज, सिल्वर स्टोन बिंदीज, कलरफुल बिंदीज. तो ये सारे ऑप्शंस हैं, और आप इसको एज नोज पिन भी यूज़ कर सकते हैं. ये सिल्वर बिंदी आप एक ले लीजिए, यू कैन यूज़ इट एज अ नोज पिन. ओके, आई हैव अ वीडियो ऑन दैट टू, सो यू कैन चेक माई ज्वेलरी हैक्स वीडियो. सो अकॉर्डिंग टू मी अ बिंदी इज़ अ मस्ट हैव.
So the next thing you should have is a beautiful clutch. So aapko jis type ka clutch pasand hai, aap jis type ke clutch mein comfortable hai, you should take that one, because aapka stuff bhi uske andar fit aana chahiye. Ye nahi ki bas dikhane ke liye clutch pakad liya. Aapke paas ek pyara sa clutch ya pyara sa bag hona chahiye, jisme ki aap apne wedding accessories, aap kisi wedding ke liye ja rahe hain as a guest, you should carry some stuff, jaise ki comb ho gaya, lipstick ho gayi, or anything you want. तो मेरे पास बेसिक क्लचेस हैं, कुछ बहुत फैंसी नहीं है मेरे पास कुछ, तो आई विल शो यू दैट. तो ये मेरे पास एक क्लच है ब्लैक कलर का, विच आई गॉट एज अ गिफ्ट फ्रॉम माय सिस्टर. सो दिस इज़ रियली ब्यूटीफुल. ब्लैक मेरा फेवरेट कलर एंड आई लव दिस. तो इसमें गोल्डन कलर और सिल्वर कलर दोनों से एम्ब्रॉयडरी है, तो दिस लुक्स रियली ब्यूटीफुल. और बहुत ही ज़्यादा ब्लिंगी नहीं है, बट इट स्टिल लुक्स वेरी ब्यूटीफुल. तो इसमें इसको ओपन करेंगे, यहाँ पे ये मैग्नेट वाला है, एंड ऑल्सो दिस हैज़ दिस काइंड ऑफ स्ट्रिंग हियर टू होल्ड द बैग, एंड ऑल्सो इट हैज़ अ जिप इनसाइड. तो बहुत ज़्यादा सामान नहीं आएगा, बट स्टिल इट कैरीज अ लॉट ऑफ थिंग्स. और इसके अंदर पाउच के अंदर भी एक और छोटा वाला जिप है, दैट मेक्स इट रियली ईजी टू होल्ड एंड कैरी सम मनी एंड स्टफ. द नेक्स्ट क्लच दैट आई वांट टू शो यू इज दिस वन. इट्स अ वेरी बेसिक गोल्डन कलर क्लच, सो इट्स नॉट वेरी लाइक पार्टी वेयर, बट स्टिल आई लव इट. इसमें यहाँ पे एक कंपार्टमेंट है, देन बैक साइड में एक जिपर कंपार्टमेंट है, एंड इट्स फुल लेंथ, सो आई रियली लव इट. इट्स रियली ब्यूटिफुल. तो द लास्ट थिंग दैट आई वॉन्ट टू एड टू दिस लिस्ट इज अ पेयर ऑफ प्लेटफॉर्म हील्स. So I'm not a heels person, तो मेरे को platform heels ही काफ़ी comfortable लगते हैं. If I want to opt for heels, otherwise flats are the best for me. तो I normally go for platform heels weddings में specially. You have to walk a lot, and if you want to dance, in that case मेरे लिए तो heels बिल्कुल भी suitable नहीं है. So I love platform heels. According to me, it's just the list according to me. So I think platform heels are the best for weddings. So that's it for this video guys. I hope you enjoyed it. I loved making this. So guys, if you like this video, please give it a big thumbs up, subscribe to my channel, aur wo bell icon bhi zarur daba dena, because you'll get a notification whenever I upload a new video. So that's it for this video. Thanks for watching. I'll see you in the next video. Bye.